यह तो हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति सूर्य से पांचवा ग्रह है जो कि मंगल के बाद आता है और सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। यह इतना विशाल है कि इसका द्रव्यमान सूर्यमंडल के सभी अन्य ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी ढाई गुना अधिक है, यानी कि अगर सभी ग्रहों के द्रव्यमान को एक साथ जोड़े तो उससे भी ढाई गुना अधिक। और यह सूर्य के द्रव्यमान का केवल 1000वां हिस्सा है। बृहस्पति की विशालता की कल्पना कीजिए, यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बृहस्पति हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी आंतरिक संरचना में तरल धात्विक हाइड्रोजन का भारी मेंटल और सघन सामग्री का एक फैला हुआ आंतरिक कोर शामिल है। बृहस्पति का वायुमंडल बहुत ही गतिशील है जिसमें तूफान और बवंडर लगातार चलते रहते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है इसका ग्रेट रेड स्पॉट जो एक विशाल तूफान है और पृथ्वी के आकार से भी बड़ा है। यह तूफान बिना रुके पिछले 350 वर्षों से भी अधिक समय से चल रहा है। बृहस्पति की एक और विशेषता है इसकी तीव्र घूर्णन गति। यह प्रति 10 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है जो कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में करती है, जिससे यह हमारे सूर्यमंडल का सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह बन जाता है। और यही तीव्र गति इसे एक चपटा गोलाकार आकार देती है जिसमें भूमध्य रेखा के चारों ओर हल्का सा उभार होता है। यह ग्रह केवल अपनी विशालता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि यह बहुत सारे चंद्रमाओं के लिए भी जाना जाता है। बृहस्पति के पास 95 ज्ञात चंद्रमा है जिनमें से 4 सबसे बड़े और प्रसिद्ध है, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। यही वो 4 चंद्रमा है जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहते हैं क्योंकि इनकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली ने की थी। इनमें से गैनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। आयो चंद्रमा अपनी सतह पर सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है जबकि इसके अपोजिट यूरोपा पर बर्फीली सतह के नीचे पानी के महासागर होने की संभावना है जिसके कारण यह भी जीवन के संभावित ठिकानों में से एक माना जाता है। बृहस्पति के पास एक धुंधली ग्रही प्रलय प्रणाली भी है लेकिन इसकी प्रलय प्रणाली शनि के बल की तरह स्पष्ट और चमकदार नहीं है लेकिन यह भी अपने आप में एक अद्वितीय है। यह प्रलय धूल और छोटे कणों से बना है जो कि बृहस्पति के चंद्रमा से उत्पन्न होते हैं। अगर बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र को देखें तो यह बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह हमारे सौरमंडल में हेलियोस्फीयर के बाद दूसरी सबसे बड़ी सन्निहित संरचना है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह इसके चारों ओर एक विशालकाय चुंबकीय बुलबुला बनाता है जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। यही वो बुलबुला है जो कि वायु के कणों को मोड़कर अपने अंदर कर लेता है जिसके कारण बृहस्पति के चारों ओर विकिरण का एक घना क्षेत्र बनता है। अगर अंतरिक्ष मिशनों की बात करें तो बृहस्पति पर भी कई अंतरिक्ष मिशन भेजे जा चुके हैं जो उसके रहस्यों को समझने का प्रयास लगातार करते रहे हैं। 1973 से अब तक बृहस्पति पर नोरोवेटिक्स जांच की जा चुकी है, 7 फ्लाईबाई और 2 समर्पित ऑर्बिटर। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है नासा के वॉयेजर 1 और 2, गैलीलियो और हाल ही का जूना मिशन। यह मिशन बृहस्पति के वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र, चंद्रमाओं और वलयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा चुके हैं और यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता और भी एक मिशन है जो इस ग्रह के रहस्यों को गहराई से समझने का प्रयास करेगा। इस ग्रह का बृहस्पति नाम प्राचीन ग्रीक और रोमन दोनों सभ्यताओं में दिव्य देवताओं के प्रमुख देवताओं के नाम पर रखा गया था। बृहस्पति को ही सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। अगर इस ग्रह के निर्माण की बात करें तो सूर्य के बनने के सिर्फ 10 लाख साल बाद और पृथ्वी के लगभग 50 मिलियन साल पहले हुआ था। ग्रैंडटेक परिकल्पना के अनुसार बृहस्पति सूर्य से लगभग 520 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर बनना शुरू हुआ। जैसे जैसे इसके निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती गई वैसे वैसे इसका द्रव्यमान भी धीरे धीरे बढ़ता गया और इसकी कक्षा के अंदर जितने भी सुपर पृथ्वियां थी उन सभी की कक्षाओं को बाधित किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।